जामताड़ा विधायक सह कांग्रेस के कदावर नेता इरफान अंसारी और इफ्तार पार्टी में शामिल होने बरकट्ठा पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव के आमंत्रित पर चाय पीने बरकट्ठा स्थित उनके आवास पर पहुंचे, जहां खबर 24 संवाददाता ईश्वर यादव से बातचीत की। देखिए इस रिपोर्ट में। बरकट्ठा क्षेत्र में कांग्रेस दल के नेता, कांग्रेस के माननीय नेता इरफान अंसारी जी यहां पर पहुंचे हुए हैं और जानकी यादव जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं यहां पर। इन दोनों में बहुत तकरार चलता था और आज इनके दोस्ती के हाथ बढ़ाए, इस विषय पर आज बात करते हैं इरफान अंसारी से। आप दोनों में देखा गया था पीछे बार में कि आप लोगों दोनों में महामुकाबला चलता था, आज दोस्ती इसे क्या कहेंगे? जानकी बाबू मेरे परम मित्रों में से एक हैं और चुनाव में हाथ लगा रहता है, लेकिन एक योद्धा के रूप में विधानसभा में एकदम साथ देते थे, लड़ाई लड़ते थे और क्षेत्रीय समस्याओं को बहुत पुरजोर तरीके से उठाते थे। मैं गवाह हूँ और आज बरकट्ठा आया हूँ मैं, तो भैया बरकट्ठा हुआ इनके चाय पी के नहीं जाऊँ तो ये भी मेरे से लगता है जमानी होगा। मैं आया हूँ और मैंने कहा कि देखिए आज एक सेक्युलर व्यक्ति है और सेक्युलर देखिए जमात इनके साथ खड़ी है, तो मैंने कहा कि अब समय आ रहा है, अगर आप पार्टी में आएंगे तो इनका मोस्ट वेलकम है, स्वागत करेंगे। जो माहौल है, देश का हालात है, देखिए इतनी महंगाई है, लोग भूल गया महंगाई, चारों ओर रहमान मैसेज जा रहा है, भाई भाई में लड़ाई, नफरत, ये हम लोग एक सभ्य समाज में ये हम इजाजत नहीं देता है। तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग मिलजुल के काम करेंगे, पहले देश है हमारा, उसके बाद तो हम लोग काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। और जानकी बाबू यहाँ आए हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत शालीन स्वभाव के, ये विधानसभा में जब भी रहते थे, जब भी कोई अटैक करते थे प्रश्नों का तो बौछार कर देते थे हम पर, तो हम भी इन्हीं पर अटैक करते थे, जल्दी भाजपा को मारना देने को वाली पड़े। एक समन्वय था हम, मतलब आप माई समीकरण जैसे बनाने का आप संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल माई, माँ, माई, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। देखिए गबड़ा कहना है, गबड़ा है कि नहीं करे, यहाँ माई एम दिया सब लोग, माई नहीं दिया, अब एम वाई मिल गए तो निश्चित तौर पर बरकट्ठा का यहाँ का जो है विधानसभा काफी हम देखे अभी, काफ़ी यहाँ के अच्छे लोग हैं, अच्छे वातावरण, अच्छा माहौल है यहाँ पर, आपसी भाईचारगी है और यादव और मुस्लिम बराबर है यहाँ पर, तो अच्छा मैसेज हम कहें कि आइए तो वेलकम है और हमें लगता है कि आएंगे। आज आपके यहाँ पर पधारे हुए हैं, उससे आपका पूर्व में बहुत नोकझोंक चलता था और खासकर जनता लोगों को बहुत अच्छा लगता था सुनने में, इसे क्या है? ऐसा है कि सबसे पहले मैं ऐसे रमजान के मौके पर हमारे भाई इरफान जी को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि ऐसे समय में बरकट्ठा में आए हैं जो पवित्र महीना चल रहा है। और इन्होंने कहा कि मैं बरकट्ठा आ रहा हूँ, जानकी भाई कहाँ हैं, तो मैंने इनसे जाके मिले और इनसे हमारा वो ये सब नोक झोंक होता था, ये अखबार वालों का, मीडिया वालों का थोड़ा देन है, लेकिन मैं इस बात का इन्हें बधाई देता हूँ कि विधानसभा में हम लोग दोनों एक साथ 5 साल रहे और ये विपक्ष में थे उस समय, लेकिन एकक विधानसभा में अपने जामताड़ा का सवाल, अपने झारखंड का सवाल को इन्होंने बहुत ही बारीकी तरीके से और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाते थे और मेरा भी इनसे मिलता जुलता था और हम लोग दोनों जनहित के मुद्दे को लेकर के कभी कभी आपस में हम लोग भिड़ते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों का बहुत गहरा दोस्ती और गहरा संबंध है और उसी दोस्ती का प्रतीक है कि आज इधर से गुजर रहे थे तो मेरे यहाँ मिल के हमसे चाय पी के यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए इन्हें पुनः बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और मैं भी जब भी मैं उधर जाता था, विधायक रहते हुए आवास बोर्ड के चेयरमैन थे, मैंने प्रयास किया था जामताड़ा में कि आवास बोर्ड का भी वहाँ भवन बने, तो मैं उनके घर पर जाके इनके यहाँ चाय पी करके ही
उधर हम देवघर और दुमका जाते थे। आज इन्होंने उस दोस्ती को याद रखा, इसलिए पुनः इनको मैं मुबारकबाद और बधाई देता हूँ। और सबसे पहले आदमी इंसानियत है, तब पार्टी है और तब राजनीति। इसलिए इंसानियत और व्यक्तिगत संबंध कभी जीवन में नहीं हटता है और ना हटना चाहिए, उसको जरूर याद करना चाहिए। और जो याद करते हैं वही इरफान जी जैसे महान कहलाते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।